विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज आप कह रही हैं, इसको हमारी ऑफिस से 50 मीटर आगे आप सुनिए, मुझे तो आपकी समिति से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो आपके लोगों को है ना। तो आप मुझे बताइए, आप यहाँ से वहाँ तक यहाँ पैर उठा करके बड़े भाई आए हैं, आपका पूरा सम्मान है, तो आप वो कारण बताइए कि हम 6 महीने से 7 महीने से आंदोलन में लगे हुए हैं, ठीक, गांव गांव जाके किसानों को जागरूक कर रहे हैं, आप वो कारण बताइए कि क्यों आपने ये शब्द बोले कि पूनम पंडित यहाँ से जाए, ये बॉर्डर किसका है, ये रोड किसकी है, आप वो मुझे बताइए। मैं अगर पर्सनली कहना चाहती है पूरा पंडित तो बताना चाहता हूँ जी, मैं मणिदेव चतुर्वेदी रिटायर्ड BSF बनार से बोल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू 7 महीने से हूँ जी, बहुत सम्मान है आपका, मुझे बहुत सम्मान है, मुझे उत्तर दें दीजिए, बहुत सम्मान है। मैं खुलासा करना चाहता हूँ, पर्सनली मेरे पाठक है, तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि समिति ने कहा है, अरे आपके लिए नहीं बोला ना मैंने, प्रश्नों को मैंने समिति के लिए बोला, आप बताइए ना, मुझे बोल दीजिए 2 मिनट, नहीं नहीं मैं आपको कहां बोल रही हूँ, मुझे बोल दीजिए समिति ने क्यों कहा, ये बताइए, बता रहा हूँ जी, ये उत्तर चाहते बताइए, कोई मैं पिछड़ा जाऊंगा, नहीं नहीं बताइए आप उत्तर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कहना चाहता हूँ कि समिति, कुछ लोग होते हैं सिर्फ बाइट देने आते हैं, सुनिए एक मिनट में कहिए, 28 तारीख से लगातार ऑन रिकॉर्ड होगा, पंडित से भी पूछा गया था कि आप कहाँ थी, आप सुनिए, मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया मैंने बहुत अच्छे से, 26 मई को पुतला फूका, पूनम पंडित कहाँ थी, अपने घर थी, घर थी ना, हाँ जी मैं ये कहना, अपने घर भी रहूंगी, मेरी माँ बीमार रहती है, आप नहीं देखेंगे, आप नहीं देखेंगे, मेरे घर में बीमार माँ भी है, ठीक, आप कौन है ये बात कहने वाले, अपनी माँ भी देखेंगे मुझे, मेरे घर में नौकर चाकर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, मेरे घर में नौकर चाकर नहीं है, आपकी तरह आप है कौन मुझे रोकने वाले, पुतले फूकने वाले, आप ये बताइए, मेरे घर में माँ है, सुनिए मेरी, आप मेरी बात सुनिए, मैं दलाली नहीं करती हूँ, ध्यान रखना इस बात को, मेरे घर में एक मेरी माँ है, और जिसकी प्लेट 30,000 रह गई, तब भी उससे पहले भी मेरी माँ बीमार थी, मेरा आंदोलन को समय दिया, मेरी माँ को देखने के लिए नौकर चाकर नहीं है, क्या आप देखेंगे मेरी माँ को, चलिए घर पे मैं दिखाऊंगा आपको, सुनिए सुनाइए, मेरे देशवासियों, क्या आपको नहीं लगता कि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, क्या मेरे घर बीमार नहीं होते होंगे, क्या मेरे घर में, आपके घर में सब लोग हैं, मेरी 2 बहनें शादीशुदा हैं, मेरा भाई घर नहीं रहता, अकेली रहती हूँ मैं, आप है कौन मुझे रोकने वाले, तो सुनेगी बताइए ना, मैं यहाँ से सबसे इस समय सबसे पहले देश को बचाने का कार्य है, आप कर रहे हैं बचाने का कार्य, आप ये भीड़ कम कर रहे हैं बॉर्डर पे, देश बचाएगा, भीड़ कम कर रहे हैं, हम भीड़ को जोड़ना चाहते हैं, उत्तर जाइए जाइए, जिनको बोलना है बोलिए, ठीक है बोलिए जाइए, ये लोग भीड़ करना चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये बॉर्डर पे भीड़ चाहते हैं, आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसे लोग बताइए, ये है कौन, मेरे घर में मेरी माँ, क्या मुद्दा हो गया, ये बोल रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर की जो समिति है वो चाहती है कि बॉर्डर पे ना क्यों ना है, पहले से ही रोक रहे हैं आप, क्योंकि सबको पता है जब मैं आती हूँ बहुत लोग मेरे साथ आते हैं, तो हमें तो ये भीड़ चाहिए ना लोगों की, तो हम तो इसको बढ़ा रहे, ऐसे लोग घटाना चाह रहे हैं भाई, अब एक बात होती कि 26 तारीख को पुतला फूका था, क्या पर डे हाजिरी देना यहाँ जरूरी है, है? गांव गांव जाके लोगों को समझाना, आपने की पंचायत, हमने की पंचायत, आप लोग डर की वजह से चुप बैठे थे, ऐसे ऐसे लोग डर की वजह से चुप बैठे थे, सरकार के डर की वजह से, मैंने की पंचायत एक लड़की ना होके, तुम पे तो नहीं करी गई, तुम यहाँ बॉर्डर के चक्कर लगाने से मतलब है क्या, आंदोलन का सहयोग बॉर्डर पे ही है, गाँव में जाके नहीं है, गाँव में मैं जा रही हूँ लोगों को जागरूक कर रही हूँ, दूसरी बात मेरी बहन है, तो उनकी शादी हो रखी, भाई मेरे बाहर रहते हैं, काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, तो मेरी मम्मी बीमार है भाई, उनकी प्लेट्स भी 30,000 है, बुजुर्ग है, बीपी हाई की भी पेशेंट है, उनको माइग्रेन भी है, तो मैं अपनी माँ को भी देखूंगी, मेरा वो भी फर्ज है, वो भी मेरा कर्म है, ये बताएंगे मुझे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, 26 तारीख में नहीं आई, 28 तारीख में गैस का गोला ऑन रिकॉर्ड मेरे पास फटा था, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, वीडियो देखना विकासशील भारत पे निकाल करके और बहुत सारे चैनलों पे, तो मैं उससे इफेक्टेड हो गई थी, मेरा फोन भी गाड़ी में चला गया था, इधर लखीमपुर खीरी उधर मैंने अपना पर्सनल दिया था, आपके साथ ही क्यों करते हैं, कई बार घटना हो गई ना, ये देखिए ये इधर आइए भैया, इनके चैनल पे मेरी वो वीडियो है, ये विकासशील भारत, आइए भैया जरा पास में, जब हम 26 जनवरी पे किसान गलत रास्ता भटक रहे थे, ये वीडियो आपके चैनल पे है नहीं है, वो गोला फटा था मुझ पे, वो IT ऑफिस पे, ये रिकॉर्ड है नहीं है, आंसू गैस का गोला जो था है नहीं है, ये विकासशील भारत भाई का चैनल है, आप देखना इस चीज को, ये मुझसे क्यों होते हैं आपको भी अच्छे से पता भैया, क्योंकि हमें आंदोलन मजबूत करना है, ये कमेटी समिति कौन है, आम है, बताओ क्या गलती है,
क्या मैंने यहाँ से कभी भी किसानों का सम्मान नहीं किया? क्या किसानों के हित में कभी ऐसी हुआ कि मैंने उनके हित में बात नहीं बोली हो? क्या ये आंदोलन नहीं बचा वर्चस्व की लड़ाई? देखो ना, ये वर्चस्व की लड़ाई ये कर रहे हैं, जब तो लड़ाई थी स्टेज की। अरे स्टेज इनको दिया, स्टेज बड़े बड़े हमने गिरते हुए देखे हैं, स्टेज इनको दिया कि हमें स्टेज नहीं चाहिए, हम तो जहाँ खड़े हो जाएंगे अपनी बात सच के लिए रखेंगे वो स्टेज हो जाएगी। देखो ये स्टेज ही है सारी, ठीक। इनको जब भी मुझसे तकलीफ थी और अब भी मुझसे इन्हें तकलीफ है, इनसे पूछो ना क्या तकलीफ है। आप लोग क्यों कैमरे बंद करते हो, क्यों नहीं पूछते आप लोग? वो बोल रहे हैं तो कैमरे बंद करो, क्यों करेंगे हम बंद? आपका अधिकार है, मैं बोल रही हूँ ना उनको कि कारण बताओ कि पूनम पंडित 26 तारीख में नहीं आई थी। देखो सबसे पहले पूनम पंडित से मेरा बाबा जी, क्या सोशल मीडिया पे सबसे पहले से कितना क्रेज यहाँ पे हुआ बताओ? जोड़े नहीं जुड़े, ऐसे लोग कम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में नाम है। सबका आदेश है, कमेटी का आदेश है कि कोई भी यहाँ, जैसे आप, आपका कोई तंबू नहीं है, आप किसी संगठन से नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा। सुन लीजिए भैया, ने खुद कहा, सुन लीजिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा कोई यूनियन नहीं है तो फिर जितने किसान ट्रैक्टर ले लेके आप बुलाते हो तो उन्हें फिर मत बुलाओ। क्या सभी के तंबू हैं? क्या आसपास के लोग आ रहे हैं सारे इनके तंबू हैं? क्यों बुला रहे हो फिर आप? क्यों सहयोग मांग रहे हो कि जिसके तंबू है वही रह सकता है? आपने की उनसे ये सवाल? हमने पूछा, ये पूछते क्यों बैन हो रहा है ऐसे लोगों पे जो सोशल एक्टिविस्ट यहाँ आते हैं? मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं टेंट लगाऊं यहाँ 10-20 हजार रुपया खर्चा करूं, बताओ? मेरी तो नहीं है हैसियत भाई, लेकिन शुरू से अब तक मैं सहयोग कर रही हूँ ना। क्या इनमें से कोई से गए यूपी में पंचायत करने के लिए? 4 दिन पहले मैंने करी, किसानों को जागरूक मैंने किया। पूनम जी एक बताइए, आपका भी आत्मसम्मान है, आपको बार बार ये लोग मना करते हैं तो फिर आप क्यों आती? भाई मैं तो आऊंगी, ठीक है, ये रोड जो है सबकी है, ये आंदोलन सबका है। सोशल मीडिया पे या यूट्यूब मीडिया पे बैठ करके यहाँ के लोग, पूरी कमेटी के लोग ये बोल देवे कि ये आंदोलन सिर्फ यूनियन का है तो मैं नहीं आऊंगी, ये बोल देवे कि किसानों का नहीं है तो नहीं आऊंगी। और जितने भी मेरे समर्थक है आसपास के गाँव के लोग, जिन्हें मैं बुलाती हूँ फोन कर करके यहाँ पे भीड़ करवाती हूँ, उनको सभी को मैं बोल दूंगी कि आप वहां मत जाइए, क्योंकि हम लोग किसी यूनियन से नहीं है और ये आंदोलन यूनियन का है, ये चीज यहाँ के लोगों ने बोली है, ठीक है, ये चीज बोल दूंगी मैं। एक बार बोले तो सही सोशल मीडिया बैठ के कि ये आंदोलन किसी यूनियन, चतुर्वेदी जी आपने सुना नहीं रिकॉर्ड में पूनम पंडित? हाँ, नाम चतुर्वेदी जी, देखिए वो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मैं काफी सम्मान करती हूँ बड़े लोगों का, ठीक। दूसरी बात, PSF के जवान है, जवानों का भी सम्मान हमारे देश में, चलिए रिटायर है, सम्मान तो सम्मान है चाहे बड़े कुछ भी है, लेकिन उन्होंने बोला कि पूनम पंडित जी आप हमारी बहन हो, आप यहाँ से चले जाइए, समिति के आदेश है। समिति के आदेश क्यों है वो दिखाओ ना आप, आंदोलन को कमजोर करना चाह रहे हैं ऐसे लोग। कभी तो कहते आप किसानों को बुलाओ, कभी तो कहते किसानों की भीड़ इकट्ठी करो, और कभी आप ऐसे लोगों को रोकते हैं जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे युवा सीखता है, जिनसे बुजुर्ग सम्मान देते हैं, जिन्हें, ठीक, जिनका महिला सहयोग करती है, आप इनको ही बुला करके पूछना कितनी भीड़ इकट्ठी करेंगे 4 घंटे में इस बॉर्डर पे, और फिर मुझसे पूछना मैं कितनी इकट्ठी करूंगी इस बॉर्डर पे, है पता तो जब चलेगा ना। आपको क्या लगता है कौन बुला, आप इसके पीछे कौन है, कौन आपको हटाना चाहता है? तो ये समिति का बता रहे, जितने लोग समिति में, जितने लोग जुड़े हुए सारे होंगे यही, मुझे क्या पता कितने, ये चतुर्वेदी जी है कोई BSF के, वो रिटायर्ड, ये पूछ रहा हूँ उनसे, किसान है वो, सुरक्षा देखते हैं ना सारे, सुरक्षा देखे, सुरक्षा को मैं बम लेंग रही हूँ, सुरक्षा देख रहे हैं बम एयरधार है, कमेटी ने सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा भी दी है मेरे पे ना, सुरक्षा अधिकारी है तो मैंने बम फाड़ दिया, मेरे पे बम है हाथ में मेरी, पूछो ना इनसे जाके। और जिस दिन से ये नहीं दिखते थे अनुराग लठवाल जी दिखते थे, ये तो मैंने इनको कुछ समय बाद देखा था आते हुए, ये जो आए हुए हैं, और मैं जिस दिन से आंदोलन चला उसके 5 दिन बाद से हूँ यहाँ, ठीक। ये रोड इनकी है या यूनियन का आंदोलन है? बता मैं देश को बैठ के, क्या यूनियन का आंदोलन है खाली? फिर रोड सरकार की है ना, आंदोलन तो देश के किसानों का, बार बार ये कह रहे हैं किसानों का। एक बात ये बोल दो ना बैठ के चैनल पे मीडिया पे कि आंदोलन से सभी लोग दूर रहे, ये सिर्फ यूनियन का आंदोलन है, बोले बैठ के भड़काने के लिए किया जा रहा है आपको? मुझे क्या पता किस लिए करा जा रहा है, एक व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति आ रहा तो भड़काने के लिए थोड़ी है। कभी नहीं कहा, बताइए अब एक बात बताओ, क्या मुझे आप जानते नहीं? क्या मुझे कौन नहीं जानता? चलिए रजिस्ट्रेशन है, हम करवा देंगे रजिस्ट्रेशन। साहब को ऑफिशियल बयान है कि कोई भी आदमी आएगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी जानकारी होनी, जानकारी पूरे देश को पता है हमारी,
कोई हमें सुरक्षा की नजर से, भाई मैं बम लिया बांध का, RDX लिया बांध का, हो सकता है आपको नजर से देखा जा रहा। हाँ नजर से तो मुझे शुरू के दिन से देखा जा रहा, अब तक तो ना कुछ मिला नहीं, अब तक क्यों नहीं मिला ना, एक भी गलती मेरी नहीं मिली और रोकने की हजार बार कोशिश कर रहे हैं। गलती एक पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है आपकी उनसे ज्यादा, तो फिर मैं क्या करूँ, लोग इतना प्यार कर रहे हैं मुझे, सहयोग दे रहे हैं, मैं क्या करूँ, उनकी कुर्सी खतरे में है ना, किन की कुर्सी खतरे में, अपनी कुर्सी संभाल कर आगे सही बात करें, खतरे में क्यों रहेगी, छोटे होते जा रहे हैं आपके सामने, मैं क्या करूँ इसमें, मेरी क्या गलती है, एक दिन बैठ के ये कहते हैं ये आंदोलन यूनियन का है, या ये कहते हैं जो है कमेटी के मेंबर है उनका है, ठीक कहे मैं तो सही इस बात को, फिर हम बताते हैं ये यूनियन का आंदोलन है किसान का, जाइए करते हैं पूरे में इस बात का ऐलान।